हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को आईफोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके तमाम के तमाम फंक्शंस को आप आईओएस वर्जन में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो लाटेस्ट आईओएस का वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपली आप ब्लंचर को यूज़ करते हुए या डायनामिक एसलाइन को भी चेंज कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपसे मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होता है, सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है आईओएस 17। मैं यहाँ पर आईओएस 17 जस्ट टाइप कर देता हूँ, उसके बाद गो पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद स्क्रोल डाउन करके अब यहां पर आपको एक नजर आएगा iOS 17 लॉन्चर iPhone 15 Pro के लिए, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल पे लगा देना है। यहां पर आप इसकी रेटिंग और रिव्यूज देख सकते हैं, यहां पर नीचे जाकर इसके रिव्यूज देख सकते हैं। इसके काफी ज्यादा रिव्यूज अच्छे हैं और डाउनलोडिंग भी 100K प्लस है। बस 20 MB की ये फाइल है, आपने जस्ट इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। जस्ट आपने इंस्टॉल पे इसको लगाना होगा। हम जस्ट वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरी तरीके से डाउनलोड होकर इंस्टॉल ना हो जाए। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो रही है, डाउनलोड हो चुकी है। जस्ट हमने इसको इंस्टॉल करके वेट करना है, ये देख सकते हैं हो चुकी है, ठीक है। अब अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके और भी फंक्शन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इसके रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं देखने को मिले, कोई इशू नहीं। आपने फिलहाल के लिए इसको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि ये लोडिंग पे है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरी तरीके से लोड ना हो जाए, तो जस्ट वेट करते हैं। तो सो गाइस, ये देख सकते हैं हमें कह रहा है कि इस तरह के किसी भी एक वॉलपेपर को आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो लाटेस्ट है। मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने उसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने तमाम की तमाम चीज़ों को अलाउ कर देना है। अब ये देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह, हम इस लेक्चर को एक्टिवेट करूँगा मैं, और सेटिंग पे जाना लेकर जाएगा। आपने यहाँ से iOS 17 को सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ी देर में आपके जितने भी फंक्शन हैं वो iOS 17 में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको इशू देखने को मिल सकता है, वो ये कि आपके कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो आपको सॉफ्टवेयर के जो होते हैं, यानी कि डायनेमिक एसलेंट, वो कैसे ऐड करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब उसके लिए आपने ये करना होगा कि आपने प्ले स्टोर को वापस ओपन कर लेना है। अब प्ले स्टोर को आपने किस तरह से ओपन करना है, तो यहाँ से प्ले स्टोर पर चले जाते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च बार पर वापस क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है डायनेमिक आइसलैंड, यहाँ पर आपने टाइप करना है। और ये वाला आइसलैंड है, ये आपने इंस्टॉल करके आपने मेन ड्रापर, आपने जहाँ पर कैमरा होगा एंड्रॉयड का, आपको मालूम ही है कि हर एंड्रॉयड फ़ोन का कैमरा अलग अलग जगह पे मौजूद होता है, तो आपने वहाँ पर जाकर इसको टैप करके रखना होता है और वहाँ पर उसको एडजस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रोल अप डाउन नीचे इसको लेकर जा सकते हैं, टैप करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन आपने टच कर देना है, असिस्टिव टच, ठीक है। असिस्टिव टच आप यहाँ से कोई सा भी एक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, जो किसी भी आईफोन में यूज़ होता है, तो आप एंड्रॉयड के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फंक्शनलिटी कैसी है। तो इस तरह से आप अपने फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, आपको समझ आ गई किस वाले से। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें और मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। It's not a game, it's a rage game.